तक मैं पहुंच चुका हूं ताशकंद से निकल के, एक फीलिंग होस्ट वाली आ रही है। ब्राइट को ना चीज के साथ डुबो के खा दे, चीज है, शक्कर है। 40 रुपए 42 रुपए लीटर पेट्रोल। एक्चुअली क्या यहां नाइट लाइफ छुपी छुपी सी है, मेहमान नवाजी का मजा आ गया। डिस्को क्लब जो है वो होटल्स के अंदर है। नाइट लाइफ में जो पहला पार्ट है वो दारू का रहता है, दूसरा पार्ट फिर और मूड शूट बन गया तो बाथरूम तक यूज कर सकते हो। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ दिस क्लब? और ये इनका बार सिस्टम है पूरा इंडिया। और ये लड़कियां पता नहीं क्या कर रही हैं। हाय, सो वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जैसे कि पता हम घूम रहे हैं उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं ताशकंद से निकल के आपका बकारो। बहुत ही खूबसूरत और एक ओल्डेस्ट टाउन है, मतलब ओल्डेस्ट यानी काफी पुराना इतिहास है। और ये पूरे उज़्बेकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी सिटी भी है। आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो जाके चेक करो। ट्रेन से मैं यहाँ तक पहुँचा था, कहाँ से कैसे बुकिंग हुई है सब कुछ आपको वहाँ पता चल जाएगा। ट्रेन कैसी है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप प्लान करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिलहाल मेरे आने का जो स्वागत हुआ है वो इस तरह से हुआ है। जब से आया हूँ सुबह ही बारिश हो रही थी, उसके बाद आने का थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद तब से लगातार बारिश हो रही है। यार मैं परेशान हो चुका हूँ कि भैया क्या किया जाए, पहला दिन हमारा बर्बाद होने वाला है। थोड़ी देर में बारिश रुके तो रात को यहाँ पर नाइट क्लब्स, नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो शायद आपको वो दिखाऊँ जगह है, आप देख रहे हो जहाँ मैंने स्टे कर रखा है। वैसे तो कहने को ये हॉस्टल है पर ये हॉस्टल घर के अंदर ही बना रखा है। ये इनकी नई प्रॉपर्टी बन रही है और ये पुरानी वाली है। ये यहाँ पे ऑनर है। योर नेम प्लीज? तोहिर। तोहिर, तो तोहिर नाम है, इन्हीं की बात कर रहा था। यही माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। एक फीलिंग होस्ट वाली आ रही है, वो बात अलग है। थोड़े से मैंने पैसे जुड़ दिए पर ये कि किसी के घर पे बैठा हूँ और बस उनकी फील ले रहा हूँ। ताशकंद से यार ठंडा मौसम है, चलो खुला एरिया है ना, किचन भी वैसे बना सकते हैं खुद भी। मैंने इनको बोला यार कुछ तो खिला दो यार से। ग्रीन टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी पूछ रहे हैं। आ गया ये, पता नहीं ये शायद चीज है, ये चाय ग्रीन टी बोल दिया था। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई सर्विस तो अच्छी है इनकी। अच्छा मैंने रिव्यू इनके देखे थे ना, काफी अच्छे थे। ये ब्रेड ऐसे खाते हैं, ब्रेड को ना चीज के साथ डुबो के खाते हैं। चीज है, शक्कर है, गुड़ है, यहाँ रोटी नहीं बनती, यहाँ ब्रेड ही खाते हैं। देखो ऐसे लेके, ऐसे लेके कुछ खाने को चाहिए था, खाने को मिल गया। मुझे नहीं मालूम इसके अंदर पेस्ट किस चीज़ की है। वैसे तो उनको मैंने बना कर दिया था, मैं बीफ नहीं खाता। जनरली यहाँ पे बीफ बहुत ज़्यादा खाते हैं, चिकन भी खाते हैं पर एज कम्पेयर मार्केट में बीफ ज़्यादा बिकता है। खाना तो हो गया, मज़ा आ गया, टेस्टी था। अब अभी 3 बजे है मेरे ख्याल से दोपहर के और मौसम ऐसा हो रहा है शाम हो गई है। देखो बाहर के शूज़ ना ये बाहर रखते हैं, इवन टॉयलेट की चप्पल भी अलग है। अंदर पूरा मैट है जैसे कश्मीर वाली साइड में अपने रहता है। ये इनके ट्रेडिशनल से हैं, ये इनका ड्रेस कोड है। शायद जब अंदर घुसो तो यहाँ टांग के जैकेट वगैरह, ये रूम अपने को दे रखा है, अपने अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ये भी कुछ बना हुआ है, कुछ तो स्टॉक करने का है। ऊपर ये सामान सामून, ये पहले हमारे यहाँ भी होता था ना, जैसे चांदी की थाली है। सबसे बड़ी चीज़ देखो ये टॉयलेट के अंदर आया हूँ मैं, यहाँ अंदर ना पानी गर्म करने के लिए नीचे आग जला रखी है इन्होंने, इस तरह से कुछ बना रखा है। वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, बने रहिए, मजा आएगा। जैसे भी जो भी रहेगा आपको अपडेट करता हूँ। A few moments later. तो भैया थोड़ी सी बारिश रुकी है, आप देखोगे पूरा यार सड़क पे ना पानी पानी हो रखा है। और ये अपना हॉस्टल है, पूरा ओल्ड टाउन ओल्ड सिटी है यार, मतलब बुखारा है ये जगह, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक फेमस बुखारा सिटी बाजार है, सेंट्रल बाजार। मैं कहा वहाँ जाऊँ, 8 बजे बंद होता है, पर वो कह रहे हैं इस वक्त कोई लोग ही नहीं होंगे। अराउंड 5000 साल पुराना ये टाउन, ये सिटी है, बहुत ही पुरानी। इसको सिल्क रोड भी कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रल पड़ता है पूरा, ये सोवियत युद्ध और मुस्लिम उसका, कि यहाँ पे लोग ना बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए आते थे। जिस तरह से एक्सप्लोर करने के लिए और जो चीज़ें दिखाने के लिए आया हूँ वो चीज़ आपको कल ही दिखा पाऊंगा। फिलहाल तो मैं निकला हूँ, मैं देखा है थोड़ा सा एक्सप्लोर कराए। भाई साहब यहाँ तो पेट्रोल बहुत सस्ता है, कजाकिस्तान से भी सस्ता है। 6500 सोम का पेट्रोल है, 40 रुपए 42 रुपए लीटर पेट्रोल। तभी कहूँ यहाँ पर टैक्सीज वगैरह इतनी सस्ती क्यों है यार। चलो अभी उसका बेनिफिट तो दे ही रहे हैं। एक्चुअली क्या यहाँ नाइट लाइफ छुपी छुपी सी है, आपको बता दूँ पूरा कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। तो आप क्लब्स वगैरह जाओ, स्ट्रिप डांस होते हैं, पोल डांस होते हैं, न्यू डांस होते हैं। और यहाँ पे क्लब का सिस्टम क्या रहता है, एक एंट्री फीस होती है, वो आपको पे करना होता है। कई क्लब्स ऐसा रहता है कि प्राइवेट रूम होते हैं, प्राइवेट रूम का एक चार्ज होता है कि आप इतना चार्ज लोगे, एक पर्टिकुलर लड़की आपके लिए ही स्पेशली डांस करने आएगी और आपके लिए परफॉर्म करेगी। बाकी उसके अलावा अगर आप किसी को लेके जाना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, उसके लिए आपको रूम वगैरह लेना पड़ता है। यहाँ आप अपने होटल लेके आ सकते हो या फिर आप एक वेबसाइट भी ऑफिशियली, जैसे कि कजाकिस्तान में थी वैसे सिस्टम यहाँ भी है। मुझे पहले लगा था ये मारुति की है, ये है शेवरले की गाड़ी। तो भाई मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मैं हूँ कहाँ और मेरे को जाना कहाँ ये भी नहीं पता भाई। भाई यहाँ के सड़के वड़के, ये दुकानें ना सब है तो खुला डुल्ला बढ़िया। जो ओल्ड टाउन ओल्ड सिटी वो अंदर की तरफ है, जहाँ पे पूरा ही आपका यहाँ का जो सिस्टम दिखता है ना, पुराने पुराने मिट्टी वाले एरिए, मिट्टी वाले घर। और ये बस स्टैंड है भाई, यहाँ पे 2GIS काम नहीं करता। मैं चॉकलेट डी टीम से बात हो रही थी, इन्होंने टी ऑफर करी है।
देख लो लोगों का प्यार। चीयर्स। हैव अ नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। मेहमान नवाजी का मजा आ गया। तो ये काफ़ी हेल्पफुल पर्सन है और काफ़ी सारी चीज़ें समझी और समझाई हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से, बुखारा मॉल है काफ़ी बड़ा और हमने जेंडिक्स बुक कर ली और दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है और मे भी शायद नाइट लाइफ आपको एक्सप्लोर कराएं। तो भैया बैठ के टैक्सी में यार और जा रहे हैं पहले तो मॉल, वहीं आसपास देखो पहले चहल पहल वाले एरिया में पहुंचेंगे तो ये तो देख पाएंगे ना आसपास है क्या, और फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ की नाइट लाइफ क्या रहता है क्या सिस्टम। अभी वापसी जब ताशकंद जाऊँगा तो आपको वहाँ पर दिखाऊँगा। तो भैया आ गए यहाँ की मेन थोड़ा एरिया में, थोड़ा सा एक्चुअली में टाउन से हट के भी कुछ डेवलप सिटी है। तो ये पूरी सिटी है, ये मार्केट मॉल कुछ ऐसे बना हुआ है और यहाँ शायद क्लब्स वगैरह होंगे। मैंने बताया जैसे छुपे हुए क्लब्स हैं तो भैया ढूंढते हैं। और एक दोस्त से मैंने पूछा, मैसेज करा, अभी तक रिप्लाई करा नहीं है, जो डॉक्टर साहब तो इंडिया जा चुके हैं। सामने हो गए आते हैं, जो बेसिकली जो नाइट लाइफ है भाई वो क्लबों के अंदर ही है और वहीं से सामान जाता है, नहीं तो आपको वेबसाइट से ऑर्डर करना पड़ता है। तो कोशिश है आपको नाइट लाइफ दिखाने की, रात को निकल तो गया हूँ यहाँ पे। यहाँ दो बंदे और मिल गए, मेडिकल स्टूडेंट। आप लोग कहाँ से आए हो? हैदराबाद से। यूक्रेन से आया। अच्छा, यूक्रेन वाला जो मसला हुआ था उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। कितना टाइम हुआ शिफ्ट हुए? एक साल ही हुआ। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, एक आधा क्लब बताया, आगे कोई होटल है, होटल के अंदर वो क्लब है भैया, देखते हैं। तो सिंपली ये मॉल बताया जा रहा है कि मॉल ही है भाई, और कुछ नहीं है, कोई क्लब क्लब नहीं है। वरना जनरली हमारे मॉल्स में थोड़े बहुत क्लब्स लॉन्च वगैरह होते ना, वो सिस्टम नहीं है। ये कह रहे हैं कि बोकारो का सबसे बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा कुछ इस तरह का मॉल है। सिंपल मार्केट्स, दुकानें बनी हुई है, लेडीज आइटम्स बहुत ज़्यादा मिलती है। हेलो, देखो लेडीज़ यहाँ पे ज़्यादातर इस तरह के रवाज पहनती है, लॉन्ग। आई एम फ्रॉम इंडिया। पहनते हैं इस तरह की कुछ चमकीली लंबी सी ड्रेस, ये देखो सारी इस तरह से ड्रेसेस है। और ये गर्म कोट है। देयर इज अ स्नो इन अ विंटर। स्नो इन अ विंटर? मैं नहीं समझ आया, मैं पूछ रहा हूँ स्नो पड़ती है बुखारा में? कोल्ड। नाइस टू मीट यू, थैंक यू। ये शायद कोई इंडियन है, आप इंडियन हो ना? जी जी। मेडिकल स्टूडेंट हो? नहीं। घूमने आए हो? आप कहाँ से आए हो? इंडिया। इंडिया में कहाँ से? ऐसा दिल्ली से हो। तो बुखारा आने का कैसे सोचा है? क्योंकि ताशकंद तक तो लोग आते हैं, बुखारा तो बहुत कम ही लोग आते हैं। छुट्टियाँ ज़्यादा थी इसलिए सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर ज़्यादा कर लिया जाए। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। रेयरली मतलब टूरिस्ट नज़र आते हैं, वरना तो जनरली क्या होता है कि आपको स्टूडेंट्स वगैरह ही ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये मॉल सबसे बड़ा यहाँ का और शॉपिंग के लिए बेसिकली। तो सर दो शॉपिंग कही है, मैंने उनसे पूछा भी यहाँ कोई क्लब व्लब है कुछ ऐसा वैसा, तो भाई उन्होंने कहा कि नहीं है यार इसमें क्लब आपको होटल्स वगैरह मिलेंगे। तो देखते हैं, उसने एक होटल का नाम मैंने उससे लिया है। हेलो हेलो। एज कम्पेयर कजाकिस्तान से यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को ढक के रहते हैं, वो जो फेस कवर करते हैं। कजाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं था, अपने मतलब का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। चलिए निकलते हैं और चलते हैं, बारिश वारिश की वजह से सब कोई भी नहीं है। ये भाई नाइट लाइफ है पर छुपी छुपी सी है, तो उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है, पर फिर भी कोशिश करूंगा आपके लिए ढूंढ के लाना। क्लब देखो आप मोटा मोटा समझ लो कि यहाँ पे जितने डिस्को क्लब जो है वो होटल्स के अंदर है, ज्यादातर चार्जेबल है। माहौल तो यहाँ का देखो बहुत अच्छा है, लाइटिंग वाइटिंग्स है। मुझे एक लड़के ने और बताया रुस्का बार करके क्लब है, वहाँ भी जा सकते हैं। और एक लड़कों ने और बताया था वो इधर है। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? बाय बाय। सो गाइस क्लब तो ढूंढ ही रहे हैं, पर रस्ते मुझे वाइन शॉप नजर आ गई है, तो मैं कल लगे आता आपको यहाँ के वाइन के भी रेट दिखा देता हूँ। यहाँ वोडकास वगैरह काफी सस्ती मिलती है। सबसे फेमस जो ब्रांड यहाँ जनरली चलता है वो जेडी का है। ये है 4,29,000 सोम की, अराउंड हो गई है मोटा मोटा समझाऊँ तो 2700-2800 रुपये की बोतल है। ये वाली थोड़ी महंगी है। उसके अलावा और देख रहे हो ये 6,82,000, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 145 से, यानी हमारा इंडिया का 1 रुपये 145। छोटी वाली रेड लेबल है 3,32,000 की, बड़ी वाली है 4,19,000 की, उससे बड़ी है आपका 5,75,000 की, और ब्लैक वाली है 7,30,000 रुपये की। करेंसी को कन्वर्ट करना, दोबारा बता रहा हूँ। देखो विस्की वाइन बहुत सारी है, वोडकास वगैरह इनकी स्टार्टिंग दारू की बोतल स्टार्ट होती है ना वो मात्र 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है वोडका। ये प्रॉपर एक स्टोर है और एक से बढ़कर एक ब्रांड है यहाँ। 300-400 रुपये की बोतल है, ये वाली आपकी 250 रुपये की है। अगर आपको दारू चाहिए तो दारू यहाँ पे सस्ती है, पर सर बताऊँ तो इससे भी ज़्यादा सस्ती दारू थी वियतनाम के अंदर, मनोई के अंदर। जेडी की बोतल तो मात्र 1400 रुपये की मिल रही थी वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पर आ रहे हो तो दारू के रेट ये हैं। और ये यहाँ पे है एनर्जी ड्रिंक 10,000 सोम का, ये 70-80 रुपये का होता है। तो बियर भी बहुत सस्ती है 12,000 सोम में, मतलब 100 रुपये से भी कम के कैन है ये ट्रबोक का और इनके और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ये मेरे ख्याल से 70-80 रुपये का है, ये और भी सस्ता है 60-70 रुपये का। तो सिगरेट्स वगैरह भी काफ़ी सस्ती हैं,
बढ़िया वाली ब्रांड की भी लोगे तो भी 17,000 की है, यानी 100-125 रुपए की आपको बढ़िया वाली सिगरेट की डब्बी मिल जाएगी भाई। नाइट लाइफ में जो पहला पार्ट है वो दारू का रहता है, दूसरा पार्ट फिर डिस्को कबाब शबाब सब रहता है। तो आपको लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ। ठंडी हवा चल रही है कुड़कुड़ करती हुई, और मैं भी देखते हैं वहाँ शूट करने देंगे नहीं करने देंगे। करने देंगे तो भैया कह रहे हैं क्लब बहुत अच्छा है, होटल के अंदर है, और नहीं करने देंगे तो भैया आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स के अंदर ना इस तरह से क्लब बने हुए हैं जहाँ पे आप मस्ती कर सकते हो। तो भैया हम जा तो रहे क्लब की तरफ, तो मैंने टाइम का ध्यान दिया, यहाँ तो क्लब यार मेरे ख्याल से 10-11-12 बजे स्टार्ट होते हैं, अभी तो टाइम भी कुछ नहीं हुआ यार, 8 बजे 8:30 हुए हैं। क्लब वालों में जो मिलती है ना इतना ज़्यादा ओपन होते हैं यहाँ सिस्टम कि अगर आप डांस कर रहे हो और मूड शूट बन गया तो बाथरूम तक यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मेरे ख्याल से मैं पहुँच गया हूँ जिस जगह जाना है। भाई ये बड़ा होटल है और इसके साइड में बिलीनियर क्लब तो एक लिखा हुआ है, उसके बाद अगला क्लब एक और लिखा हुआ है, फिर साथ में बैंक्वेट हॉल है, शादी वादी हो रही है, और मेरे ख्याल से क्लब नीचे है और ख्याल से अभी खुला ही नहीं है। देख के आते हैं क्या रहता है। फ्रैंक लाइन, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ दिस क्लब? 11:12। भाई बहुत जल्दी आ गया हूँ, कोई आने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्लब आपके सामने है, पहुँच गए हैं। और रात को 11-12 बजे स्टार्ट होता है और टिल सुबह 5-6 बजे तक रहता है, तो दोबारा आना पड़ेगा नहीं तो कल आएंगे। तो अगर आप मस्ती करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो। भाई ये यहाँ का क्लब है, आपको थोड़ा दिखाता विजिट कराता हूँ, कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है, मैं ही अकेला आया हूँ यहाँ पे। काफ़ी बड़ा क्लब है यार, सिटिंग का खाने पीने का सिस्टम पूरा है इनका, बढ़िया सिस्टम है। हमें दोबारा आना पड़ेगा मे भी शायद। वैसे इनका स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट होता है 35,000 सोम से स्टार्ट होता है, अलग अलग प्राइस है यार, और ये इनका बार सिस्टम है पूरा। सो गाइस बैड लक, टाइम में एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं गया, एक्चुअली ताशकंद और कजाकिस्तान में इस चक्कर में ना मैं जा नहीं पाया था क्लब में। क्यों? क्योंकि ना क्लब भी 12-12 बजे स्टार्ट होता है भाई, और पूरा दिन जब चल चल के हालत ख़राब हो जाती है, फिर जाकर थोड़ा वीडियो भी एडिट करनी होती है, उसके बाद ना बेड पे जाने का डगमगा जाता है बंदा, आप समझते हो ना। स्पेशली तैयार होकर जाना है तो भैया पूरा दिन सो, मतलब रात को पूरा डांस वांस करना तो भैया उसके लिए पूरा तैयार होना पड़ता है, तो अपना पूरा दिन ही अपना इतना बिजी होता है कि भैया रात को बंदा क्या ही जाएगा। और मेरे ख्याल से कोई एंट्री चार्ज नहीं है, आप जाओगे ऑर्डर करो, खाओ पियो मस्ती करो, माहौल बनाओ, दोस्ती करो, मजा करो, सब कुछ करो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पीछे कोई शादी शुदी हो रही है, घुस जाऊँ क्या? सबने काले कोट पहने और मैं अजीब सा बन के कहाँ से घुस जाऊँ भाई? सब कोट पैंट में बाबू बन के आए हुए हैं। मैं सोच रहा था शादी वगैरह, यस ब्लॉगर ब्लॉगर ब्लॉगर, तो भाई साहब से पूछ रहा था कि मैं अंदर जाके विजिट कर सकता हूँ, तो मुझे पता चला ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मुझे लगा शादी हो रही है, आई थिंक इट्स अ मैरिज। सब लोग तो तभी सूटेड वूटेड बाबू बन के आए हुए हैं। ये बिलियर्ड क्लब है, यानी ऊपर बिलियर्ड बॉल टेबल वगैरह खेलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक दिस इज अ क्लब, डिस्को क्लब। आई सी, बट योर नेम? गुलबा। मैं आ गया, मैं देख लेते हैं ऊपर का क्या माहौल है, पर यहाँ टेबल है, तो भैया अगर आप लोगों को खेलने का शौक है तो यहाँ भी आ सकते हो। तो चलो भाई अभी रात को आना पड़ेगा, तो रात को जब आएंगे या तो कल आएंगे। सारी जगहों पे ना इसी तरह से नाइट लाइफ स्टार्ट होती है रात को 12 बजे, कई जगह तो 1-1, 2-2 बजे, और फिर वहाँ पे जो धमाल होते हैं ना भाई साहब, भाई इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और ये लड़कियाँ पता नहीं क्या कर रही हैं यहाँ पे खड़े होके। हेलो, हाय हाय। तो भाई शायद इधर कोई मार्केट मुर्केट है, तो शायद खाने खूने का है पोका खब। अब भैया पता नहीं क्या है होका खब, ये भी कोई क्लब है क्या? खाने का जुगाड़ देखते हैं भाई, ये तो एकदम से रोशनी ला देती है मेरी लाइट। शायद नीचे कोई स्टोर मार्केट टाइप का है भाई, खाने के चक्कर में आया था, और यहाँ पे इस तरह की कुछ दुकानें होती जैसे मैंने आपको दिखाया था, मतलब सारी चीज़ें ना एक ही जगह रखी होती है, एक सेक्शन में स्वेटर, एक में पैंट है, एक में टोपियाँ यहाँ लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, शायद अच्छी लग रही है। प्राडा के शूज़ नकली हैं, ओरिजिनल नहीं है, ब्रांड में तो कोई भी नहीं है, सब कॉपी माल है। नाइट लाइफ में नाइट का जो मॉल खुला हुआ वो भी दिखा दिया आपको, लग गया 2,00,000 में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है यार। तो चलो भी निकलते हैं यार, हमें ना लेना कुछ। तो भाई साहब घूमते घूमते ऊपर एक मार्केट में आ गया हूँ, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, यूज आईफोन न्यू आईफोन सब कुछ मिल रहा है। भाई उसने शुरू में वैल्यू रेट बताया, मैंने आईफोन देखा था वहाँ पे 13 प्रो, मेरे ख्याल से उसने बताया 540, पता चला भैया डॉलर में रेट है। गिव मी दिस वन चिकन, गिव मी दिस, ठीक है। मैंने जनरली नोटिस करा कि यहाँ पे इन जगहों पे ना फैमिली बिजनेस ज़्यादा करते हैं लोग, मिल के मतलब काम करते हैं, तो अच्छा भी है। भाई साहब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है,
ज़्यादा नहीं यार, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है समझो। तो चलो भाई खाते हैं, फिर खाना हो गया अपना, निकलते हैं बस यहाँ से। और टैक्सी मैंने कर ली बुक जेंडेक्स की। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। थैंक यू। एंड ये तो इस वीडियो को याद रखते हैं, जिंदगी छोटी सी, दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, जहाँ आप लोगों से और अच्छी अच्छी बातें और अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं, बाय बाय गाइस, बाय बाय। I feel like I'm losing my mind.